कोरोना हर तरफ अपने पैर पसारने लगा है। दुनिया भर में इसका संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच कोरोना की तीसरी लहर भी जारी है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अहम फैसला लेते हुए लालकुआ में शुक्रवार को आवश्यक दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें संपूर्ण रूप से बंद रखने का फैसला लिया है। बताते चलें कि आम दिनों में भी कोविड-19 की सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। वहीं बुधवार और शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार को अगले कुछ दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही इस बाजार में बाहर से आने वाले व्यापारियों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया है। हालांकि नगर में जरूरत की दुकानें कोविड के नियमों के तहत खुलती रहेंगी। उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया है कि जिलाधिकारी के द्वारा इस पर आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी के स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि आने वाले आदेशों तक शहर में बुधवार और शनिवार को लगने वाले हाट बाजार को बंद ही रखा जाए, क्योंकि हाट बाजार में बड़ी संख्या में बाहर और ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की आशंका है, जिसके चलते बाजार को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। हाट बाजार कब से दोबारा लगना शुरू होगा, इसके बारे में लोगों को सूचना दे दी जाएगी।